दोस्तों व्हाट्सएप तो आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर यूज करते ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप के 10 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप दोस्तों 2024 के अंदर व्हाट्सएप का रोजाना यूज करते हैं और आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। दोस्तों इन फीचर्स को देखने के बाद, यूज करने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आप किसी भी बंदे की पोल खोल कर रख सकते हैं। दोस्तों 2024 के अंदर आपके व्हाट्सएप के अंदर कुछ ऐसे नए अपडेट आए हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स आई हैं, यदि आप उनको यूज करेंगे ना आपको व्हाट्सएप को चलाने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, यदि आप भी चाहते हैं उन फीचर्स को यूज करना तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, अपनी जो व्हाट्सएप है ना उसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, नए वर्जन में प्ले स्टोर में आकर अपनी व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद दोस्तों जब आपकी व्हाट्सएप के अंदर ये ओपन का ऑप्शन आ जाएगा तो दोस्तों उसको आपको ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट नंबर की ट्रिक के अंदर मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा, यदि आप उस ट्रिक को देख लेते हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड की पोल खोल कर भी रख सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई आपकी गर्लफ्रेंड है आपसे झूठ बोलती है कि मैं तो किसी से चैटिंग नहीं करती, किसी से बात नहीं करती। दोस्तों मैं आपको 10 नंबर की ट्रिक में एक ऐसी जानकारी दूंगा, आप उसकी जो व्हाट्सएप है ना उसको अपने मोबाइल फोन के अंदर देख सकते हैं कि वो किससे बात करती है। ठीक है, उसकी पोल खोल कर रख देंगे तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो उससे पहले दोस्तों एक काम जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों ओपन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपनी जो व्हाट्सएप है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों अब चलते हैं सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक का काम क्या है, दोस्तों जैसे कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कोई भी आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको ले लेता है और आप जो भी अपनी गर्लफ्रेंड से यहाँ पर चैटिंग करते हैं ना वो दोस्तों कोई भी बंदा देख लेता है कि आपने क्या क्या बात कर रखी है, कितनी प्राइवेट चैटिंग कर रखी है, आपकी पोल खोल कर रख सकता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, दोस्तों यदि आप उस ट्रिक को लगाएंगे 2024 के अंदर आप दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड की जितनी भी चैटिंग है उनको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है दोस्तों, जैसे ही आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, इस पर आपको दोस्तों टैप करके रखना है, यहाँ पर दोस्तों जो तीन लाइन दिखेगी उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने मिलेगा लॉक चैट का। ठीक है, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है और दोस्तों जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना इसकी चैटिंग दोस्तों यहाँ पर लॉक हो जाएगी। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन को किसी को दे भी देंगे वो दोस्तों पता नहीं लगा पाएगा कि किससे बात करता है, कि इसकी चैटिंग कहाँ पर है। अब दोस्तों आप यदि चाहते हैं उसकी चैटिंग को देखना तो दोस्तों आपको क्या काम करना है, जो आपकी स्क्रीन है ना उसको दोस्तों नीचे की साइड क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों उस चैटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अपने फिंगरप्रिंट को डाल देना है, अब दोस्तों जो भी आपकी चैटिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब यदि आप चाहते हैं फिर से होम स्क्रीन पर इसको लाना, ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसको आपको फिर से यहाँ पर चैट लॉक को ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद अब दोस्तों जो आपकी चैटिंग है ना वो दोस्तों यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वापस आ जाएगी आपकी गर्लफ्रेंड की चैट। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड नंबर की ट्रिक। अब दोस्तों ये भी बिल्कुल आपकी प्राइवेसी को लेकर है, यदि आप किसी से बात करते हैं अपनी चैटिंग को मेंटेन रखना चाहते हैं कि आपकी जो व्हाट्सएप है उसको कोई भी देख ना पाए, वो कैसे करना है, अब सेकेंड नंबर की ट्रिक को अप्लाई करना है। दोस्तों आपकी व्हाट्सएप के अंदर एक ऐसा फीचर्स आ चुका है, यदि आप उस फीचर को ऑन करेंगे दोस्तों जो आपकी व्हाट्सएप है ना यहाँ पर दोस्तों उस पर फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। जब भी कोई आपकी व्हाट्सएप को ओपन करेगा उस पर दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा तभी आपकी व्हाट्सएप दोस्तों ओपन होगी। वो कैसे करना है, यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग पर आना है, ठीक है, यहाँ पर प्राइवेसी पर आना है, दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फिंगरप्रिंट लॉक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यदि आपकी व्हाट्सएप के अंदर ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है तो आपको अपनी व्हाट्सएप को अपडेट जरूर कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट को इनेबल करना है, फिंगरप्रिंट लगाना है। ठीक है, अब दोस्तों ये ना अब यदि यहाँ पर एक आपको सेटिंग करनी है, अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपके पास मैसेज करे वो आपकी होम स्क्रीन पर ना दिखे, ठीक है, तो आपको दोस्तों इसको यहाँ पर बंद कर देना है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अब कोई भी मैसेज करेगा तो वो दोस्तों यहाँ पर शो नहीं होंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे आप इस फीचर्स को ऑन करेंगे, अब दोस्तों कोई भी बंदा आपकी व्हाट्सएप को ओपन करेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना पड़ेगा तभी आपकी व्हाट्सएप है वो दोस्तों ओपन होगी। ठीक है, ये थी दोस्तों सेकेंड नंबर की ट्रिक। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड नंबर की ट्रिक। अब दोस्तों ये भी प्राइवेसी को लेकर ही है, जैसे कोई आपके गर्लफ्रेंड है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है दोस्तों कोई भी मेरे पास फोटो भेजे, वीडियो भेजे, वो दोस्तों ऑटोमेटिक, ठीक है, आपकी गैलरी के अंदर ना से वो सिर्फ यहाँ पर उसकी चैटिंग के अंदर ही रहे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है आपके जितने भी फोटो हैं कोई भी बंदा देख लेता है आपकी गैलरी के अंदर। ठीक है, आपको करना क्या है,
दोस्तों चैटिंग में आना है आपकी गर्लफ्रेंड की, आई बटन पर आना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने मिलेगा मीडिया अवेलेबिलिटी का, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर ना ये फीचर्स यहाँ पर दोस्तों ऑन होगा, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, आपको दोस्तों इस फीचर्स को ऑफ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मीडिया अवेलेबिलिटी है, इसको दोस्तों यहाँ पर ये डिफॉल्ट पर होगा, आपको दोस्तों इसे कर देना है नो पर, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, आपके जो फोटो होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास फोटो भेजेगी, वो दोस्तों आपके सिर्फ चैटिंग के अंदर ही रहेंगे, वो गैलरी के अंदर सेव नहीं होंगे, ठीक है। दोस्तों ये थी थर्ड नंबर की ट्रिक, ठीक है। अब दोस्तों जो लास्ट नंबर की ट्रिक है ना, वो बिल्कुल वीआईपी ट्रिक है, उसको जोर देखकर जाना यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड की पोल खोल कर रखना चाहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल वीआईपी ट्रिक है। अब दोस्तों चलते हैं चार नंबर की ट्रिक की ओर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आप नाइट में किसी से बात करते हैं और आपकी जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, ये ट्रिक दोनों के लिए काम करेगी। यदि आप चाहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को पता ना चले कि मैं ऑनलाइन हूँ या ऑफलाइन हूँ, मेरा लास्ट सीन भी दिखाई ना दे, वो कैसे करना है, दोस्तों चार नंबर की ट्रिक को अप्लाई करना है। थ्री लाइन पर आना है, सेटिंग पर आना है, ठीक है, प्राइवेसी पर आना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, ठीक है, इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपके मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट होगा एवरीवन पर और एवरीवन पर, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर चेंज करना है, आपको करना क्या है, इसको दोस्तों यहाँ पर सेम एस लास्ट सीन पर कर देना है, और दोस्तों इसको कर देना है यहाँ पर नो बॉडी पर सेट। अब दोस्तों जो भी आपके मोबाइल फोन के अंदर कॉन्टैक्ट सेव है या नहीं है किसी को भी, आपका ना तो दोस्तों ऑनलाइन स्टेटस दिखाई देगा और ना ही लास्ट सीन दिखाई देगा इस सेटिंग्स को करने के बाद। दोस्तों इस यदि आप इस सेटिंग को करेंगे तो आप अपनी पोल खुलने से भी बचा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं पांच नंबर की ट्रिक की ओर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, कोई ऐसा मैसेज भेज देते हैं ना और आपको पता नहीं रहता कि यार इसने क्या भेजा था, ठीक है, वो डिलीट कर देता है। अब दोस्तों आपको एक ऐसी ट्रिक अप्लाई करनी है अपने मोबाइल फोन के अंदर, ना तो दोस्तों आपको वहां पर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सिर्फ एक सेटिंग से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। वो कैसे करना है, दोस्तों आपको यहाँ पर ना बैक आना है, बैक आने के बाद सेटिंग पर आना है, सेटिंग पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का, ठीक है, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ठीक है, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होगा यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस फीचर्स को यहाँ पर ये ऑफ है ना, इसको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों जितने भी यहाँ पर कोई भी डिलीट कर रखा है मैसेज, वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो किसी ने क्या मैसेज कर रखा था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा किस बंदे ने आपके पास यहाँ पर क्या मैसेज कर रखा है, ठीक है। दोस्तों उसने ये यहाँ पर हाई लिखा था, वो डिलीट कर दिया था, ठीक है। दोस्तों इस फीचर्स को यूज करके आप जो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है आपके पास मैसेज करते हैं ना, वो डिलीट कर देते हैं, वो दोस्तों देख सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन को यूज किए, ठीक है। दोस्तों ये ट्रिक कैसे लगे, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं सेकंड नंबर के ट्रिक की ओर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, आपसे कोई ऐसी फोटो मांग लेता है ना, ठीक है, वो दोस्तों HD क्वालिटी में नहीं जाती है, ठीक है। मैं आपको दोस्तों एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यदि आप उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे दोस्तों, उसके पास HD क्वालिटी में अपनी फोटो को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपके WhatsApp के अंदर एक ऐसा पिक्चर्स आ चुका है, HD क्वालिटी में बिल्कुल फोटो जाएगा, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल फोन के जो जितने भी फोटो होंगे वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर की साइड यहाँ पर HD क्वालिटी का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, जो भी HD क्वालिटी है इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और दोस्तों 1780 में आपको यहाँ पर कर देना है, और दोस्तों इस फोटो को यहाँ पर सेंड कर देना है। अब दोस्तों जो आप फोटो है ना HD क्वालिटी में आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पास जाएगा, ठीक है, लो क्वालिटी में नहीं जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं सेकंड फीचर्स की ओर। दोस्तों ये फीचर्स भी बिल्कुल लाजवाब है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई आपका कोई फेसबुक फ्रेंड है या व्हाट्सएप फ्रेंड है, वो आपसे आपका फोटो मांग लेता है, कोई ऐसा प्राइवेसी फोटो है ना, वो सिर्फ आप उसको एक बार दिखाई देना चाहते हैं, जिससे वो दोस्तों एक बार फोटो देखने के बाद अपने आप ही डिलीट हो जाए, ठीक है। वो कैसे करना है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर फिर से फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है, फिर से आना है, यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है, दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलेगा एक, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और इस फोटो को यहाँ पर सेंड कर देना है, ठीक है, जो भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, ठीक है। अब दोस्तों जब भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस पर क्लिक करेगा, फोटो ओपन होने के बाद जब दोस्तों दोबारा ओपन करेगा, वो फोटो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है, उसको पता नहीं चलेगा कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं सेकंड फीचर्स की ओर। दोस्तों इस फीचर्स का काम क्या है, दोस्तों जैसे कोई आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यहाँ पर स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, यदि आप चाहते हैं आप उनके स्टेटस को देख कर, ठीक है, उसको पता ना चले कि आपने स्टेटस उसके देखे हैं या नहीं देखे,
रहे हैं, ठीक है। वो कैसे करना है, एक सेटिंग को अप्लाई करना है और आपकी कॉल खुलने से बच जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग पर आना है, प्राइवेसी पर आना है। दोस्तों ये ऑप्शन देखने को मिलेगा रीड रिसिप्ट का, ठीक है। ये फीचर्स आपको दोस्तों ऑफ कर देना है। अब दोस्तों कोई भी बंदा आपके व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस लगाएगा ना दोस्तों, आप उसके स्टेटस देख लेंगे लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्टेटस देखे हैं या नहीं देखे हैं। वो दोस्तों ऐसे ही सोचता रहेगा कि यार स्टेटस क्यों नहीं देखे, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं सेकेंड फीचर्स की ओर, ठीक है। अब दोस्तों इस फीचर्स का काम क्या है, दोस्तों जैसे कोई आपका मोबाइल फ़ोन है और दोस्तों आप एक मोबाइल फ़ोन में ही दो नंबर को चलाना चाहते हैं, एक व्हाट्सएप में ही, ठीक है। दोस्तों कोई व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक ही व्हाट्सएप के अंदर दोस्तों दो नंबर चल जाएंगे। कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग पर आना है, ठीक है। सेटिंग पर आने के बाद दोस्तों अकाउंट का एक ऑप्शन देखने का, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड अकाउंट का, ठीक है। अब दोस्तों जो भी आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, उसको दोस्तों यहाँ पर नंबर को डाल देना। दोस्तों वो नंबर जो आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर है इस तरीके का दोस्तों डाल देना, ठीक है। और दोस्तों आप एक ही व्हाट्सएप के अंदर दो मोबाइल नंबर को चला सकते हैं। दोस्तों ट्रिक कैसी लग रही है, तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट नंबर का बिल्कुल वीआईपी फीचर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड की पोल खोल कर रखना चाहते हैं कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है किससे बात करती है, वो कैसे करना है। अब देखो, ठीक है, आपको दोस्तों अपना जो मोबाइल फोन है ना उसको लाना है, ठीक है। मोबाइल फोन लेने के बाद आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना दोस्तों। आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर एक जो है व्हाट्सएप को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सेटिंग पर आना है, ठीक है। सेटिंग पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, इस तरीके से थ्री लाइन पर क्लिक करना है, लिंक डिवाइस पर आना है। यहाँ पर दोस्तों लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है, फिंगरप्रिंट लगा देना है, जो भी उसका दोस्तों लॉक होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपनी मोबाइल फोन की जो व्हाट्सएप है उस पर आना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अगर कंटिन्यू करना है, अब दोस्तों यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है और लिंक एक कंपेरिजन डिवाइस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो आपको अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल फोन में इस तरीके से स्कैन कर लेना है। अब दोस्तों जो आपकी गर्लफ्रेंड की व्हाट्सएप है ना, वो दोस्तों सेम इस मोबाइल फोन में आ जाएगी, ठीक है। और उसको पता भी नहीं चलेगा कि यार किससे मैं बात करती हूँ, आप दोस्तों उसकी पोल खोल कर रख देंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही चैटिंग आ जाएगी जैसे उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर वो किससे बात करती है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है। दोस्तों चलिए आपका दिन शुभ हो।